गर्मियों का सीज़न आ चुका है और गर्मियों के सीज़न आते ही एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो है लू का लग जाना। जी हाँ, इस सीज़न में लू के बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं क्योंकि वेदर ऐसा चल रहा है कि आप बाहर जाते हैं आपको लू लगने की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, आप तुरंत बाहर से आते हैं या ठंडा पानी पी लेते हैं। खासकर जो हमारे बच्चे हैं वो ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम तुरंत बाहर से आए, उन्होंने फ्रिज खोला, ठंडा ठंडा पानी पी लिया या तुरंत एसी में चले गए, कूलर में चले गए, इससे बहुत जल्दी लू लगने की प्रॉब्लम हो जाती है। या बहुत से लोगों का काम ही ये रहता है बाहर घूमने का, धूप में घूमने का, और उन अच्छे से अगर वो फेस कवर नहीं करते, अपना प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो उनको भी बहुत जल्दी लू लग जाती है। लू लगने से अगर आपको बचना है तो आपको कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको लू लग गई है ये कैसे पता चलेगा, आपको लक्षणों से पता चलेगा, तो आपको लक्षण जानना भी ज़रूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लू लगने पे कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं या आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, जिन्हें केवल आप देख लेते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यदि आपको लू लग गई तो आपको कौन से लक्षण देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट, आपको बहुत तेज सिर दर्द होगा, आपका जो सिर है वो पीछे साइड भी दर्द हो सकता है और आपको फोरहेड में भी दर्द हो सकता है। आप जैसे ही धूप में जाएंगे तो आपका सिर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि किसी ने हथौड़े मारे हैं, इतना तेज आपको सर दर्द होगा। इसके साथ साथ आपको बुखार, मीन्स फीवर भी आ सकता है। फीवर आपको ठंड देकर भी आ सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है, मीन्स आपको 100 फीवर भी रह सकता है, 102 तक भी फीवर जा सकता है, बहुत से लोगों को 99 फीवर रहता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जी हाँ बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वैसे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि मैं फ़ैन बंद करके वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं फ़ैन ऑन करके वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ जाती है आप लोगों तक, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आती मेरी वॉइस, इसलिए मैं भी वीडियो जो फ़ैन बंद करके बना रही हूँ तो बहुत तेज पसीना आ रहा है, लेकिन मुझे लू नहीं लगी हुई है। तो अगर आपको लू लगेगी तो पसीना आएगा, फीवर होगा, सर दर्द होगा, बेचैनी होगी, जी मतलाएगा, आपको कमज़ोरी भी महसूस होगी, शरीर में ऐंठन होगी, क्योंकि जब लू लगती है तो हमारे शरीर में पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर जो है ऐंठने लगता है, मीन्स ऐसे आपकी जो फिंगर है वो ऊपर हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगी, आपके जो पिंडलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगी, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप कुछ घरेलू इलाज ज़रूर अपनाएं। आप ORS ले सकते हैं या ठंडी जो पट्टी होती है उसको अपने सर में अच्छे से रखें जब तक आपका फीवर बाहर नहीं आता है, मीन्स फीवर ठीक नहीं हो जाता है। या आप जो आम का पन्ना होता है, मीन्स आम को बॉईल करके उसमें हल्का सा नमक शक्कर ऐड करके उसे अच्छे से पी लीजिए, तो भी आपके जो लू लगने की प्रॉब्लम है, मीन्स लू से होने वाले लक्षण से आपको निजात मिल सकता है। इसके अलावा हमारी होम्योपैथी की एक दवा भी है, Natramure 6X, इसे आप ले सकते हैं, ये भी बहुत असरदार है। 4-4 टैबलेट दिन में 4 बार आप ले लीजिए हल्के गुनगुने पानी के साथ। देखिए, इस दवा को आप लेते हैं और कुछ प्रिकॉशन भी रखते हैं जिसकी अभी हम बात करेंगे, तो आपकी जो लू या लू लगने पे होने वाले लक्षण बहुत जल्दी आपको निजात मिल जाएगा। तो आपको प्रिकॉशन में क्या क्या लेना है कि आप जब भी बाहर निकलें तो अपने फेस को अच्छे से कवर करके निकलें, साथ साथ बाहर निकलने से पहले आप अपने पेट को पानी से बिल्कुल फुल कर लें, मीन्स आपको पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ आप एक बॉटल ज़रूर रखें, अगर आपका बाहर घूमने का काम है या आप 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं तो बॉटल में ORS, अगर आपके पास ORS नहीं है तो नमक, उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर उस वाटर को रख लें और हर 10-15 मिनट में उसे पीते रहें। घर से फुल पेट खाना खाकर जाएं। एक बात का ध्यान रखें, खाना आपको सिंपल खाना है, ऑयली स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जब भी आप पानी पीते हैं बाहर जाते हैं तो 2 मिनट का रेस्ट ज़रूर रखना है। बाहर से अगर आप अंदर आते हैं तो तुरंत आपको ठंडा पानी नहीं
पीना है, तुरंत एसी में नहीं बैठना है या तुरंत आपको कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। इसके अलावा आप सैलेड का मीन्स सलाद में खीरा ककड़ी जो भी पानी वाले फूड हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, उसे ज़रूर खा के बाहर निकलें। आप प्याज का भी सेवन कर सकते हैं, प्याज भी आपको लू से बचाने में मदद करती है। खीरा आप खा सकते हैं, जितने भी वाटरमेलन मस्कमेलन इन सब चीज़ों में पानी की बहुत अधिक मात्रा होती है, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। या आप आम पन्ना बनाकर रोज़ लंच में इसे ज़रूर लें। अगर आप बाहर जाते हैं तो इसका लेना ज़रूरी है, बच्चों को भी अपने पिलाएं क्योंकि बच्चे भी बाहर जाते हैं, शाम को खेलने जाते हैं। आजकल 7 बजे तक बहुत तेज़ धूप तो कम रहती है 7 बजे, लेकिन जो हवा चलती है वो गरम गरम चलती है, वो भी एक लू का कारण हो सकता है बच्चों में खासकर। इसलिए आप जब बच्चों को बाहर भेजते हैं तो उन्हें ORS पिलाकर या आप कोई भी ऐसा फ्रूट्स खिलाकर भेजें, पेट फुल करके भेजें ताकि उनको लू ना लगे, पानी की बॉटल उनके साथ रखें। तो इन सावधानियों को अगर आप बरतते हैं तो आप लू से बच सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि आपको लू लग गई है और आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपका सर दर्द हो रहा है या आपको वोमिट भी हो रहा है, आपके पैर बहुत ज़्यादा एड रहे हैं, तो आप एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन बाद में ना हो। और अगर आपके लक्षण बिल्कुल नॉर्मल है तो आप घर में ही होम रेमेडीज़ लेकर, ORS लेकर, हमारी होम्योपैथिक दवाएँ लेकर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो आप इन दवाओं को लीजिए, कुछ प्रिकॉशन लीजिए और लू से ज़रूर बचिए। बहुत तेज़ बाहर गर्मी है, अगर ज़रूरत ना हो तो खुद भी बाहर ना जाएं और बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर ना भेजें। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से हैं और आपके शहर में कितना टेम्परेचर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।